आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अट्रैक्टिव स्टडी पर। तो एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे बड़ी बात आई है। ठीक है, क्या है आपका एग्ज़ाम डेट कब है? आपको मैं बता दूं कि अभी भी थोड़ी देर पहले ये घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर कि जो लॉकडाउन है ये 3 मई तक जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है, 3 मई तक जो है पूरे राज्य में, भारत के पूरे हर राज्य में जो है 3 मई तक जो है लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये UPSC प्रीलिम्स का जो है एग्ज़ाम, आपका जो डेट बोला गया है 31/5/2020, क्या उस दिन होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है इस वीडियो। आप हमारे चैनल पर पहली बार बिलोंग कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। देख रहे हैं ट्विटर पर शशि थाउर जी का यहाँ पे चूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे उन्हें बोला गया है कि ईच ईयर अबाउट 9 लाख स्टूडेंट अपीयर फॉर द कोविट्स UPSC एग्जाम टू ज्वाइन द प्रीडिक्स सिविल सर्विस, बट सो फार नो एस्पेरेंस हैज क्लू वेयर द प्रिलिमिनरी एग्जाम विल गो अहेड एज अ शेड्यूल ऑन मई 31st और वी पोस्टपोन। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ट्विटर पे जो है एक सवाल पूछा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। ठीक है, और इनका जो है अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इनका जो है अभी रिप्लाई आया नहीं है। रिप्लाई जैसे ही आता है तुरंत तुरंत मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे जो है सवाल किया है, इसका जो रिप्लाई है बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि वो क्लियरली वहाँ पे पता चल जाएगा कि उस दिन एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो ये बात इनका हो गया। मैं बात करता हूँ कि ये जो है लॉकडाउन को, जो आपको पता है कि अभी भी थोड़ी देर पहले जो है घोषणा किया गया है, ठीक है, कि 3 मई तक जो है बढ़ा दिया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 3 मई तक बढ़ा दिया गया तो बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पे आपका होगा एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता है 31/5 का आपका डेट दिया गया है, तो आप कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका कोई चांस नहीं है 31 मई होने का, क्योंकि आपको 31 मई तक, सॉरी 31 मई को आपका डेट दिया गया था। लेकिन देखिए, अगर होता ये है कि जो अभी घोषणा किया गया है 31 3 मई तक, अगर 3 मई तक अगर केस अच्छे रहे या फिर इसका इफेक्ट कम रहा तो आपका चांस होगा कि एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो आसार हैं ये ना ही के बराबर लग रहे हैं, कि क्योंकि आपको पता है पूरा जो है माहौल जो है एक वायरस के कारण इफेक्ट में पड़ा हुआ है, तो आपको पता है ये ऐसा चांस कम है। लेकिन जो मैंने ट्विटर पे अभी आपको दिखाया वो न्यूज़, अगर वो न्यूज़ का रिप्लाई आ जाता है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और उससे बेहतर ये होगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें।